देखिए ये बात दूसरी है, ये बात सही है कि इस बार जो नतीजे आए हैं उसमें एक श्रेणी ऐसे अभ्यर्थियों की है जिनको घोषित किया गया है कि ये क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है। असल में ये परीक्षा जिस समय हुई थी स्टेट की और अभी के समय में पूरा परिदृश्य बदल गया है। एक तो जिस समय ये परीक्षा हुई थी, ये दो ही बार हुई है स्टेट की, एक बार 2011 में हुई है, एक बार अभी हुई है। और हम लोग इसमें जो भी इसके प्रावधान होते हैं वो जो नेशनल लेवल पर NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, हम लोग उसी से गाइड होते हैं, उसी को फॉलो करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग TET माने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं। और पहले NCTE का फैसला था कि एक बार परीक्षा TET पास करने से इसकी वैलिडिटी 7 वर्षों की होती थी। स्वाभाविक रूप से जब 7 वर्ष पूरा हो जाता था तो फिर उनकी उनके इस पात्रता की मान्यता समाप्त हो जाती थी, उनको फिर से परीक्षा देनी पड़ती थी। अब NCTE ने फैसला लिया कि नहीं, अब एक बार जो पास कर गए उनकी पात्रता जीवन भर के लिए होगी, मतलब जब तक उनकी उम्र बची रहेगी, जब तक आवेदन देने की उम्र सीमा तक रहेंगे। और हम लोगों को भी कहा गया जो उस हिसाब से आप लोग अपने यहाँ बनाइए, तो हम लोगों ने भी ये फैसला ले लिया है कि अब हमारे यहाँ जो भी TET, STET जो भी पास करेंगे तो उनके उस पात्रता की मान्यता जीवन पर्यंत रहेगी, यानी जब तक उम्र उनकी उम्र सीमा के अंदर रहेगी वो बनी रहेगी। अब इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में पूरा परिदृश्य बदल गया। हम लोग पहले सोचते थे कि जितनी वैकेंसी होगी और उसी हिसाब से ये विज्ञापन भी निकाला गया था। और सच पूछते हैं तो ये जो कैटेगरी है, ये जो श्रेणी है, क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट, इसका मतलब है कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स तो रखते हैं लेकिन जो वैकेंसी है उस हिसाब से क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। अब के परिदृश्य में तो हमको 2011 में भी जो क्वालिफाई किए हुए हैं नए फैसले के मुताबिक, हम उनको भी नहीं रोक सकते हैं। जब सातवें चरण की नियुक्तियां प्रारंभ होगी तो हमें उनकी पात्रता भी माननी होगी। तो उस परिस्थिति में जब 2011 के क्वालिफाइड लोगों की पात्रता हम मानेंगे तो 2019 में जो क्वालिफाई कर गए हैं और मेरिट लिस्ट में आ रहे थे तो उससे उनकी पात्रता को हम लोग रोक नहीं सकते। तो इसलिए अब हम लोग जो क्वालिफाइड एंड नॉट इन मेरिट लिस्ट, इस श्रेणी के लोगों को भी या छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार में हम लोग विचार कर रहे हैं और इसके लिए रास्ता निकाल के हम लोग उनकी पात्रता भी जब रिक्तियां निकलेगी बनी रहेगी, इसके लिए हम लोग आवश्यक निर्णय कर रहे हैं और हम समझते हैं कि निर्णय उनके पक्ष में ही जाने वाला है, इसलिए उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो क्वालिफाई किए हैं तो क्वालिफाई कर गए हैं, तो अब उस क्वालिफाई करने के आधार पर तो उनकी पात्रता जीवन पर्यंत रहेगी, तो हम इसमें क्यों रोकें।